नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सायमा। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं लेकिन अब तक इंडिया गठबंधन की पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाई। सपा में इसको लेकर कई तरह का असमंजस बना हुआ है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक ऐसा बयान सामने आया जिसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब उनका इंडिया गठबंधन से मोह भंग हो गया है। तो ऐसा क्या कहा है अखिलेश यादव ने, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। यूपी में इंडिया गठबंधन की दावेदारी कर रही समाजवादी पार्टी में इसको लेकर कई तरह का असमंजस बना हुआ है। बता दें इसी बीच सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि सपा का इंडिया गठबंधन से मोह भंग हो रहा है। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 29 दिसंबर को आजमगढ़ दौरे पर गए थे जहां पर उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर खुलकर बात की और दावा किया कि चुनाव में पीडीए का फॉर्मूला ही एनडीए को हरा सकता है। बता दें इस दौरान उन्होंने एक बार भी इंडिया गठबंधन का जिक्र नहीं किया और न ही उसके बारे में कोई राय रखी, लेकिन ये जरूर साफ कर दिया कि वो पीडीए के जरिए ही बीजेपी का मुकाबला करने की तैयारी में लगे हुए हैं। बता दें अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि पीडीए ही एनडीए का मुकाबला करेगा और जो भाजपा ने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, आज कम से कम इन्हें बताना चाहिए कि इन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी है, कितने लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने आगे जातीय जनगणना पर कहा, सामाजिक न्याय बिना जातीय जनगणना के संभव नहीं है। कुछ लोग सब कुछ पा रहे हैं और कुछ लोगों को कुछ नहीं। इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव का इंडिया गठबंधन के प्रति ऐसा रुख देखने को मिला। इससे पहले भी सपा अध्यक्ष और कांग्रेस के बीच कई बार तल्खी देखी गई है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर जातीय जनगणना का मुद्दा हड़पने तक का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना ओबीसी के मुद्दे और महिलाओं के मुद्दों को उन्होंने उठाया था लेकिन कांग्रेस हमारे मुद्दे को ही अपना मुद्दा बना रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें इधर इंडिया गठबंधन में बसपा सुप्रीमो मायावती के शामिल होने की भी उम्मीद बताया जा रहा है। खबरों की माने तो कांग्रेस और बसपा के बीच इसको लेकर बात चल रही है लेकिन अखिलेश यादव नहीं चाहते कि बसपा इंडिया गठबंधन के साथ आए। सपा का मानना है कि बसपा के आने से उनकी सीटों पर दावेदारी कम हो जाएगी, तो वहीं कई सपा नेता ये भी मानते हैं कि बसपा अपना वोट दूसरे दलों के पक्ष में नहीं कर पाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसा ही देखने को मिला था। बसपा को तो गठबंधन का फायदा हुआ था लेकिन सपा की सीटें नहीं बढ़ पाई थी। दरअसल अखिलेश यादव के ऐसे बयान से तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के रास्ते अलग हो सकते हैं और अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी तो शायद रास्ता एकदम साफ हो जाएगा कि अखिलेश यादव अकेले ही मैदान में उतरेंगे, क्योंकि सपा नेताओं की तरफ से लगातार जिस तरह बसपा के खिलाफ कुछ ना कुछ विवादित बयान सामने आते रहते हैं उससे तो ये बात स्पष्ट है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो सपा अकेले ही चुनाव के मैदान में उतरेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।